इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल्स में बात करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे वो चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड है कि आप इसके बारे में भी वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो हमारे इन सिस्टर के लिए है। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का 1 kg का केक है और इसे है ना हमने 6 इंच वाले में बेक किया है। और इसलिए बेक किया है कि इसे मुझे थोड़ा हाइट में चाहिए था, इसलिए हम 6 इंच वाले में बेक किए हैं। नहीं तो नॉर्मल है ना 7 इंच वाले में परफेक्ट रहता है 1 kg। लेकिन अगर आपको फ्लैट में लुक में बड़ा दिखने वाला केक चाहिए तो फिर आप 8 इंच वाला केक टिन लें, वो बेस्ट रहता है। और इसमें हम 4 लेयर करे हैं। और ये बनाने के लिए ना हमें 2 कप प्रीमिक्स लगा है प्रिस्टीन कंपनी का और 240 ml वाले कप से लिए हैं। और इसमें टोटल हमारा 400 ग्राम व्हिप क्रीम गया था, 200 ग्राम डार्क कंपाउंड गया था। और डार्क कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए हम 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम यूज़ किए थे। आप लोग है ना अमूल का फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये ऑर्डर है ना हमारे कज़िन सिस्टर दिए थे, उनका ये ऑर्डर है। लेकिन आप लोग जब भी ऑर्डर लेना तो आप अपने कस्टमर से बता दें कि जो फ़ोटो आप दिए हो वो सेम टू सेम कॉपी नहीं हो सकता है। 19-20 का फ़र्क, कभी उससे भी ज़्यादा फ़र्क आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती हैं। और अगर उसमें जो चीज़ें हैं आपके पास नहीं हैं तो आप कस्टमर से सामने से बोल दें कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मुझे ऑर्डर मिलते हैं ना तो जो चीज़ें उसमें रहती हैं वो हमारे यहाँ के शॉप पे मिलता ही नहीं है, तो हमें कस्टमर से बताना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें आगे पीछे रहेंगी। और जो कलर सामने से आता है वो भी कभी 19-20 का फ़र्क रहता है, ऐसा नहीं है कि हर बार सेम उतर जाए। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन हमेशा परफेक्ट नहीं हो पाता है। और आप लोगों को कस्टमर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, अगर वहाँ से फ़ोटो आता है तो आप लोगों को खाली यही बोलना रहता है। अगर आपके पास सारे सामान है तो आप बोलते होंगे कि हाँ मैं ये बना दूंगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं रहता है तो आप कस्टमर से बोलते होंगे तो बस उतना ही बोलना है। और कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर बोलना है और ये बोलना है कि आप जो फ़ोटो दिए हो वो है ना अलग रोशनी में अलग जगह पे खींचा हुआ बहुत ही क्लियर फ़ोटो है। तो ज़रूरी नहीं कि हम सेम टू सेम बना सकें उसे। अगर आप बहुत अच्छा केक बनाते हो तो भी कभी कभी रहता है कि हम 100% कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो आपको खाली अपने कस्टमर को ये बताना है कि हम टेस्ट में तो बेस्ट देंगे, लेकिन जो आप बनाने के लिए बोले हो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो अगर वो बोलते हैं हाँ हमें चलेगा तो फिर आप ऑर्डर ले लें। और इससे ज़्यादा कुछ भी आपको कस्टमर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको केक बनाना आता है तो फिर आप अपने हिसाब से जैसा आप बनाते हैं वैसा बनाकर कस्टमर को दे दें। और कस्टमर को मुझे उम्मीद है कि पसंद ही आएगा। और यहाँ पे मैं केक के बारे में बताना चाहूँगी कि आप लोग है ना अपना प्राइस सेट कर लें। कल की भी वीडियो में मैं ये बात बोली हूँ, ऐसा नहीं है कि आप 200-250 अगर अपने कस्टमर से ले रहे हैं केक का तो आप है ना उसकी क्वालिटी ख़राब करके दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने केक में कंप्रोमाइज़ मत करें। आप है ना अगर 2-4 जन को भी सेल कर पा रहे हैं तो आप यकीन करें कि आपका है ना सेलिंग है ना बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, क्योंकि आप केक अच्छा बना रहे हो। अगर आप है ना कम में भी बना कर देते हो कस्टमर को तो वो क्या होगा कि आप भले स्टार्टिंग में ज़्यादा ऑर्डर पाओ लेकिन आगे जाके है ना आपके ये ऑर्डर रुक जाएंगे, क्योंकि वो लोग बेकरी से खाएंगे ना तो उल्टा आपसे ज़्यादा अच्छा बेकरी का लग जाएगा तो फिर वो आपसे कभी नहीं लेंगे। तो आप है ना अपना केक अच्छा ही बना कर दो, भले ही आपको बेनिफिट स्टार्टिंग में कम मिले तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ऑर्डर लौट जा रहा है, मुझे ना लेना चाहिए, तो आप ज़रूर लें और आप लोग है ना कम कॉस्ट कमाएँ। शुरू में आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ में हमको इन्वेस्ट ही करना पड़ता है। अगर आप कोई दूसरा काम भी शुरू करेंगे तो आप लोग देखे होंगे कि स्टार्टिंग में तो हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, जैसे कि हम भी किए हैं। हम केक बना बना कर ऐसे ही फ्री में लोगों को खिलाए हैं। हम अगर सबसे बोलते कि हम केक बनाते हैं तो वो लोग थोड़ी हमसे ऑर्डर लेते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हम केक कैसा बना रहे हैं। तो लोग है ना जब तक आप उन्हें अपना केक खिलाएंगे नहीं, उनको टेस्ट पता नहीं चलेगा, जब तक तो आपको ऑर्डर मिलेगा भी नहीं। और अगर आप लोग किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर केक लेके जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग खाएंगे तो आपको ऑर्डर तो वैसे भी मिलने लगेंगे, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि आप बेस्ट केक बनाते हो और वो भी कम प्राइस में। हम लोग तो बेकरी से कम ही प्राइस में सेल करते हैं, जैसे कि मैं 1/2 kg 300 रुपये में सेल करती हूँ और 1 kg 600 में करती हूँ, मतलब 300 ही प्लस प्लस करते जाती हूँ। कभी कभी कस्टमर हमें इससे भी कम पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। और कभी कभी कस्टमाइज केक रहता है ना तो हम इससे ज़्यादा भी लेते हैं। अगर कस्टमाइज केक है तो हम है ना सामान जो उसके ऊपर लगा रहे हैं ना उस हिसाब से हम पैसा बढ़ा देते हैं, और नहीं तो है ना नॉर्मल केक है ना हम 600 रुपये में 1 kg देते हैं। जैसे कि आप ये केक देख रहे हैं जो मैं बना रही हूँ, ये है ना मेरा 700 रुपये में 1 kg गया था। और यहाँ पे है ना टॉपर में इसलिए गनाश डाली हूँ फ्रेंड, क्योंकि इसके ऊपर है ना वाइट रहने वाला था
और मैं सोची कि ऐसा ना हो कि इसमें चॉकलेट कम पड़ जाए तो टेस्ट अच्छा ना रहे, वैसे तो रहता ही। मैं भर भर के गनाश डाली हूँ, आप लोग देखे होंगे कि टोटल गनाश मैं इसके अंदर डाल ही दी हूँ। और यहाँ पे हम करम कोट कर रहे हैं लेयरिंग वगैरह, तो आप लोग देखें सोकिंग में अच्छे से करी हूँ, तो आप लोग भी अपने केक की सोकिंग ज़रूर करें। इससे केक काफ़ी मॉइस्ट रहता है, अगर आप लोग एक दो दिन के लिए भी फ्रिज में रख देंगे ना तो आपके केक का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप सोकिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको काफ़ी ड्राई ड्राई लगेगा और केक अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग सोकिंग ज़रूर करें, चाहे आपको सेम डे ही क्यों ना खाना रहे। हाँ, अगर आप केक बनाकर तुरंत एक दो घंटे में खाने वाले हैं तो कम सोकिंग करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और करम कोट करने के बाद है ना, पहले मैं बोर्ड पूरा क्लीन करी हूँ क्योंकि मुझे इसको टोटल पूरा वाइट करना था, और मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा सा भी क्रम्स वगैरह ऊपर आए जो मेरे केक का लुक ख़राब करें, क्योंकि कस्टमाइज केक रहता है तो थोड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रेशन रहता है, उनका एक थीम रहता है कि हमें इस थीम का केक चाहिए। तो मैं इस केक को तो बोलूँगी कि मैं 100% कॉपी करने की कोशिश करी हूँ और सेम टू सेम बना कर भी दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको केक दिखाऊंगी कि दोनों केक अगर आप रख के देखेंगे सामने ना तो डिफरेंस दिख रहा है, और क्यों दिख रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। खाली यही एक चीज़ समझ में आया कि ये केक मेरा छोटा था, वो केक थोड़ा सा इससे बड़ा था, ये डिफरेंस हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि कभी कभी आप पूरी चीज़ें परफेक्ट करोगे तो भी केक आगे पीछे लुक में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम बना दिए तो दोनों केक फ़ोटो और आपका केक सेम दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी दिखता है, हर बार नहीं दिखता है, तो आप लोग है ना अपने कस्टमर से ये एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो एग्री होते हैं तो फिर आप कंटिन्यू करें, नहीं तो भाई कस्टमर कोई कोई बहुत अलग टाइप के होते हैं, मैं तो बोलना नहीं चाहूँगी कि उनको है ना 19-20 का भी फ़र्क एडजस्ट नहीं होता है। एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं एक केक बनाई थी ना तो कस्टमर लेकर ही नहीं गए थे, टेस्ट के वजह से नहीं, वो लुक के वजह से नहीं लेकर गए थे, बोले है ना थोड़ा सा, मतलब जो भी बोले, अब मैं क्या इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, तो है ना वो केक लेकर नहीं गए। और यहाँ पे है ना मैं अपने केक की पाइपिंग बैग से आइसिंग कर दी हूँ, और ये केक थोड़ा डिजाइनर था, मुझे अच्छा लगा जब फ़ोटो आया कि आप ये केक बना दो। लेकिन क्या हुआ ना फ्रेंड, कि जो इसमें टॉपर लगा था वो मुझे टॉपर नहीं मिल रहे थे, तो मैं है ना फिर वो टॉपर है ना अपने हाथों से बनाई हूँ, आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही सुंदर और प्यारा बना था, लेकिन सेम तो नहीं हो पाएगा कि उसमें अलग प्रिंट टाइप का था, तो इसलिए है ना मैं अपने हाथों से ही क्राफ्ट कर दी कि भाई थोड़ा तो सिमिलर दिखे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताना, मैं बनाई हूँ इसलिए मुझे तो अच्छा लगना लाजमी है, लेकिन आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे कि हाँ टॉपर आपका अच्छा था तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे है ना मैं स्क्रैपर से साइड में इसका स्मूदनेस अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि है ना ये स्क्रैपर से करने से ना बहुत ही प्यारा स्मूद होता है, तो आप लोग ज़रूर करें। नए नए लोगों के लिए तो भाई ये OHP शीट तो वरदान है, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि जब मुझे स्टार्टिंग में फिनिशिंग नहीं आया तो मेरे पास ना दूसरा स्क्रैपर था। फिर है ना जब मैं वीडियो ही देख के केक बनाना सीखी हूँ, तो आप लोगों से मैं बताना भी चाहूँगी कि मैं वीडियो देखकर ही बनाई हूँ, तो वहाँ से मुझे पता चला कि OHP शीट लेंगे ना तो उससे ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग होती है। तो फिर है ना मैं ये लेकर आई, तो आप यकीन करें मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग भी इसे ज़रूर बाय करें, और अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप लोग है ना ATM वगैरह या कपड़े के शॉप पे जाओ तो वो लोग कार्ड वगैरह देते हैं ना, उससे भी करेंगे ना तो अच्छा रहता है, मतलब प्लेट नाइफ से तो आपको वो भी अच्छा पड़ेगा, लेकिन OHP शीट मिल रहा है तो आप लोग ले लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे बड़े टूल रहते हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता है, ओनली 50 रुपीज़ का रहता है। और ये मेरा केक पूरा फिनिशिंग में आ गया है, तो आप लोग भी जब अपना केक फिनिशिंग करें तो परफेक्ट करें, थोड़ा टाइम आप दें उसे। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि केक काफ़ी ड्राई हो जाता है, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, मैं एक दो वीडियो लाऊंगी आपको उसके टाइप का, कि आप लोग ऐसा करके भी अपने केक की फिनिशिंग अच्छा कर सकते हैं। जब आपको लगे ना कि आपका केक फिनिशिंग में नहीं आ रहा है तो आप अपने केक पर थोड़ा सा पानी का छींटा मार दें या स्प्रे कर दें, और उसके बाद फिनिशिंग करेंगे ना तो आप देखेंगे ना कि काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आ गया है और आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मैं बेकरी में देखी हूँ कि वो लोग है ना जब पूरा केक है ना आइसिंग करते हैं तो ऊपर फिनिशिंग पानी का है ना स्प्रे करके उसके बाद फिनिशिंग देते हैं, वो लोग सारे केक का ही ऐसा करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये एक बेकरी का सीक्रेट है, तो आप लोग ज़रूर ऐसा अपने केक की आइसिंग करें, और आप लोग उसका रिजल्ट क्या रहेगा मुझे ज़रूर फीडबैक देना। और नीचे है ना मुझे पिंक कलर का करना था तो मैं है ना रेंडम ही ऐसे कर दी, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही था। और फिर है ना मैं थोड़ा सा ना गोल्डन ड्रिपर ली हूँ और ब्रश की हेल्प से ना यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि केक तो शायद मैं आप लोगों को अभी तक दिखाई नहीं, आगे है शायद एडिटिंग में, आप लोग ज़रूर देखना, मैं सेम टू सेम बनाने की ही कोशिश करी हूँ, तो उसमें भी ऐसे था तो मैं यहाँ पर भी कर दी हूँ, और यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर मैं पूरा इसका कंटिन्यू कर रही हूँ, और उसके बाद लास्ट में ना मैं है ना ब्रश की मदद से पूरा ही राउंड घुमा दी हूँ, क्योंकि है ना अच्छे से स्मूथ हो जाए।
और यहाँ पे ना ये फोटो है, आप लोग है ना रोक के देख लेना अगर आप लोगों को बराबर समझ में नहीं आया है तो। ये दो टाइप का इसमें बॉल था, तो इस बॉल का ही मैं 100 रुपया एक्स्ट्रा ली हूँ फ्रेंड। और आप लोगों को भी पता होगा कि ये बॉल कॉस्टली आता है, तो यहाँ पर है ना जहाँ जहाँ लगा था मैं वीडियो हाथ में मेरा मोबाइल सॉरी नीचे रखा था उसमें देख देख के जहाँ जहाँ लग रहा था ना वहाँ पर लगाई हूँ। तो आई होप आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और उसके बाद है ना बटरफ्लाई लगाई हूँ, तो ये जो बटरफ्लाई है ना बॉल के ऊपर लगाई हूँ ना, तो वहाँ पे डबल साइडर टेप लगाई हूँ, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बॉल पे लगाते हैं ना तो कैसे चिपकता चिपकता ही नहीं, तो यहाँ पे है ना हम डबल टेप लगा दिए हैं बटरफ्लाई के नीचे। और जो दो स्टिक में हम लगा कर करे हैं ना वहाँ पर है ना वो तार वाला आता है, लेकिन शॉप पर मुझे मिला नहीं तो हम ऐसे ही लगा दिए हैं। और बटरफ्लाई जहाँ जहाँ था वो लगा दिए हैं, थोड़ा सा स्प्रिंकल करे हैं। और यहाँ पे जो टॉपर में बनाई थी वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि ये है मेरा टॉपर और ये है ना मैं हैंड से करी हूँ, ये टोटल क्राफ्ट से है मेरा ये। और बीच वाला जो आपको दिख रहा है ना वही वाला खाली मेरा रेडीमेड है, और बाकी सारा मैं क्राफ्ट करके बनाई हूँ। और आप लोगों को मेरा ये केक कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों को कोई भी मिस्टेक मेरे इस केक में नज़र आई है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका ये केक यहाँ पे मिस्टेक है। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। और मेरी सिस्टर का फीडबैक काफ़ी अच्छा आया था, वो बोले केक बहुत अच्छा था टेस्ट में भी और लुक में भी। तो आप लोग भी बताना कि मेरा केक कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।